हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट अ वैक्यूम क्लीनर ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर फ्रॉम द मेन सप्लाई। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द फ्यूज टू बी फिटेड इन इट्स सर्किट। सेकंड वन व्हाट विल हैपन इफ द 13 एम्पीयर फ्यूज इज फिटेड इन इट्स सर्किट। ओके, इस क्वेश्चन में हमसे दो कंडीशन पूछ रहा है। सबसे पहला कंडीशन है कि अगर वैक्यूम क्लीनर है जो कितना करंट ड्रॉ करता है, ये करता है 2 एम्पीयर का मेन सप्लाई से, तो हमें बताना है कि क्या अप्रोप्रिएट वैल्यू होगा फ्यूज का उस सर्किट में जो फिट करेंगे। और सेकंड वन कि अगर 13 एम्पीयर का फ्यूज फिट कर देते हैं सर्किट में तो क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया वर्किंग ऑफ फ्यूज, वर्किंग ऑफ फ्यूज। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पहले फ्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मेन सर्किट में एक फ्यूज लगा होता है। फ्यूज का काम क्या होता है कि अगर एक लिमिटिंग करंट की वैल्यू से थोड़ा सा भी अगर ज्यादा होता है तो फ्यूज के अंदर के जो जो मेटल्स रहते हैं या जिससे वायर बना हुआ रहता है वो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है कि सर्किट जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, और सर्किट ब्रेकडाउन हो जाएगा तो और अप्लाइंसेज जो सर्किट से कनेक्टेड रहते हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि करंट कितना ड्रॉ करता है, वो 2 एम्पियर का। ठीक है, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कंसिडर कर सकते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर बात कर रहे हैं एफ ओ एस, तो ये लगभग लगभग 1.2 के आसपास में होता है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये कितने के आसपास में आएगा, तो यहाँ पर टोटल करंट जो होगा एक्चुअल करंट वो क्या हो जाएगा, 1.2 × 2, और ये कितना हो जाएगा 2.4। इसका मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 2.4 से थोड़ा सा ज़्यादा, दैट मीन्स अगर रफली फिगर में लेते हैं तो फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 2.5 एम्पियर का फ्यूज अगर हम लोग यूज करते हैं और 3 एम्पियर का, तो हम लोग क्या होगा कि सेफेस्ट में सेफ है। ठीक है, तो इसका मतलब जो अप्लाइंसेज जो लगा हुआ है वो सेफ है। तो फर्स्ट वन का आंसर तो हो गया ये। दूसरा बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं कि 13 एम्पियर का फ्यूज हम लोग फिट करते हैं सर्किट में, तब क्या होगा। अगर हम लोग आई का वैल्यू जो है अगर फ्यूज का वो अगर 13 एम्पियर है, लेकिन जो वैक्यूम क्लीनर लगा हुआ है वो कितना ड्रॉ करता है, 2 एम्पियर का। अगर करंट की वैल्यूज मान लेते हैं कि 5 एम्पियर फ्लो होने लगी, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर में अंदर अगर, तो क्या होगा, फ्यूज तो लगा हुआ है 13 एम्पियर पे, इसका मतलब कि 13 एम्पियर से एक्सीड होगा तभी वो फ्यूज जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेकडाउन करेगा। लेकिन 5 एम्पियर जो है वो भी नहीं चाहिए वैक्यूम क्लीनर को, इसके कारण से हो सकता है कि अप्लाइंसेज जो है वो डैमेज हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, क्या होगा कि डैमेज हो सकता है, मे बी सर्किट में जो वैक्यूम क्लीनर लगा हुआ है वो डैमेज कर सकता है अगर फ्यूज जो है वो 13 एम्पियर का लगा है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।